दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल होना कई लोगों के लिए दुर्गम चुनौती है, लेकिन फुल टाइम जॉब के साथ आईएएस परीक्षा देना बिल्कुल ही अलग बात है। यदि आप भी फुल टाइम जॉब के साथ आईएएस परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आईएएस एग्जाम में सफल होना कठिन है और जब आप फुल टाइम जॉब के तौर पर इसमें सफल होने की कोशिश करते हैं तो यह और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। फुल टाइम जॉब के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले ज्यादातर उम्मीदवार अपनी नौकरी को आईएएस अधिकारी बनने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपना एक बोझ मानते हैं और सच कहें तो पहली बार में यह ऐसा दिखता भी है। ऐसे में जबकि आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अन्य छात्र रोजाना करीब 18 घंटे की पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप सिर्फ केवल और केवल 3-4 घंटे की पढ़ाई ही कर पाते हैं और वह भी नियमित रूप से नहीं। यदि आप भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप अकेले नहीं हैं। कई कामकाजी पेशेवर आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दुनिया से सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा में अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में सफल भी हुए हैं। लेकिन जैसा कि वे बताते हैं कि बिना किसी योजना की गई कड़ी मेहनत बिना स्टीयरिंग व्हील के फरारी के जैसी है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी के साथ आईएएस की परीक्षा में सफल होने की योजना बना रहे हैं तो आपकी योजना कड़ी मेहनत की भांति ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए जानते हैं वह उपाय जिनसे आप अपनी नौकरी के साथ साथ सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है हर पल महत्वपूर्ण है। आईएएस बनने की इच्छा रखने वाले के लिए उपलब्ध संसाधनों में समय सबसे कीमती और दुर्लभ संसाधन होता है। कामकाजी पेशेवरों के लिए जो दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, यह कथन और अधिक सच हो जाता है। इसलिए फुल टाइम जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध समय का अधिकतम उपयोग करना महत्वपूर्ण है। माना कि काम के घंटे के तौर पर यदि शिफ्ट 8 घंटे का माने तो आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए आप 3-4 घंटे से अधिक का समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए एक पूरे दिन में आपको जितना भी समय मिले उसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा तरीका है कि आपने सभी छोटे ब्रेक्स का उपयोग करें और रोज पढ़े जाने वाली चीजें जैसे अखबारों और पत्रिकाओं को भोजनावकाश के दौरान यानी लंच के टाइम पर उसे कवर करें। आमतौर पर इन सामग्रियों में दैनिक घटनाओं और हलचल के साथ हल्के विषय होते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए समर्पित अध्ययन समय की जरूरत होती है। यदि आप दिन में पढ़ी गई चीजों पर पर्सनल जनरल्स या नोट्स बनाती हैं तो भी आपको काफी ज्यादा मदद हासिल हो सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा मिनटों में पढ़ाई करें ना कि घंटों में। हमने इस बात पर पहले ही चर्चा कर ली थी कि कामकाजी पेशेवर के तौर पर आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आप अलग से समय निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको अपने अध्ययन सत्रों की योजना बहुत ही ज्यादा सावधानी से बनानी होगी। सीमित उपलब्ध समय का यह अर्थ भी है कि आपका हर सेकंड महत्वपूर्ण है और यह अच्छा होगा कि आप घंटों के बजाय मिनटों के आधार पर पढ़ाई की योजना बनाएं। जैसे यदि आप आधुनिक भारत का इतिहास कवर करना चाहते हैं तो आप इसे कुछ छोटे विषयों में तोड़ सकते हैं, जैसे 19वीं सदी के विद्रोह और सुधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, गांधी जी का राष्ट्रीय प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब इन विषयों को भी अन्य छोटे उप विषयों में वर्गीकृत और कुछ मिनटों में पढ़ा और कवर किया जा सकता है। बड़े विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से न सिर्फ आपको समय को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी बल्कि यह आपको पढ़ने और समय के साथ अधिक जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करेगी। तीसरा पॉइंट है अपने ऑफिस के करीब घर रखें। वास्तव में यह
बहुत अच्छी सलाह नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से व्यवहारिक है, क्योंकि इससे आपको आईएएस की तैयारी के लिए अधिक समय मिल जाएगा। काम करने के स्थान यानी ऑफिस के पास घर रखने से आपको ऑफिस आने जाने में लगने वाला समय बचेगा, जिसका उपयोग आप आईएएस परीक्षा के लिए पढ़ाई में कर सकेंगे। एक और फायदा यह होगा कि इससे आपको थकान भी नहीं होगी। यदि आप घर वापस आने के बाद थकान कम महसूस करेंगे तो आईएएस की पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, जिससे यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में आपको अच्छा करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, यात्रा के दौरान पढ़ने से बचे। आईएएस की तैयारी के लिए अपने अध्ययन समय को अधिकतम उपयोग करने के लिए छात्र अक्सर ऑफिस जाने आने के दौरान पढ़ाई करने लगते हैं। सभी कामकाजी आईएएस अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली यह आम गलती है। सबसे पहले तो यह लगता है कि ऐसा करने से आप अपने पास उपलब्ध सीमित समय का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बस या ट्रेन में सफर के दौरान पढ़ने से आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। लगातार गति में रहने, झटकों, शोर और आपके आसपास की भीड़ से न सिर्फ एकाग्र होना मुश्किल हो जाता है, बल्कि एक पंक्ति को पढ़ने के लिए आपकी आंखों और मस्तिष्क को भी ज्यादा समय लगता है। वाहन में चलते समय पढ़ने से घर पहुंचते आपकी आंखें थक चुकी होंगी और आईएएस की तैयारी के लिए जो समय आपने अलग से रखा है उस समय में आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए यात्रा के दौरान आप पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं या छोटी सी नींद भी ले सकते हैं, ताकि जब आप घर पहुंचे तब तरोताजा महसूस करें और अपनी किताबों पर ध्यान लगा सकें। फिफ्थ पॉइंट है, इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। बात जब आईएएस की तैयारी की हो तो इंटरनेट निश्चित रूप से आपका सहयोगी बन जाता है, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करते तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले रूप में शब्दों का मूल जबानी याद होना बहुतों के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन आईएएस की तैयारी में सिलेबस में आने वाले सभी विषयों के फोकस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। इसमें करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान यानी जीके भी शामिल होता है, इसलिए आपके स्मार्टफोन पर खबर पढ़ना या संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा सुनाई दे सकता है, लेकिन आईएएस की तैयारी के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता। इंटरनेट के साथ आप जिस प्रकार की पढ़ाई करने चाह रहे हैं उस पर से मुख्य फोकस हटने का खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे वह नवीनतम यानी मीम्स हो, एक वायरल वीडियो या मजेदार ट्वीट। ऐसा लगता है कि वह आपका कुछ सेकंड ही तो ले रहा है, लेकिन ये कुछ सेकंड ही मिलाकर घंटों में बदल जाते हैं और बाद में आपके पास पछताने के सिवा और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। दूसरी तरफ अखबार और पत्रिकाएं विस्तृत संपादकीय प्रक्रिया से गुजरती हैं और उनमें सिर्फ सार्थक और महत्वपूर्ण लेख और कहानियां ही प्रकाशित की जाती हैं। वास्तव में हिंदू जैसे अखबार और योजना या ईपीडब्ल्यू जैसी पत्रिकाएं इन्हीं कारणों की वजह से आईएएस अभ्यर्थियों के बीच अच्छी पैठ बना चुकी है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, सिलेक्ट स्टडी का विकल्प चुनें। यानी हमने समय की सीमित उपलब्धता पर पहले ही काफी जोर दिया है और जब बात कामकाजी पेशेवरों के आईएएस की तैयारी करने की आती है तो कम समय में तैयारी करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरीका है जिससे आप इस खामी को खूबी में बदल सकते हैं, चुनिंदा अध्ययन कर। यानी दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत जटिल होता है और पूरा समय लगाकर आईएएस की तैयारी में जुटे छात्रों को भी सिलेबस को पूरा कवर करने में मुश्किल होती है, इसलिए चुनिंदा अध्ययन करना आपके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। चुनिंदा अध्ययन का मतलब है आईएएस के पूरे सिलेबस का विश्लेषण करना। इस तरह आप कठिनाई के स्तर के अनुसार विषयों की सूची तैयार कर सकते हैं और सिर्फ उन विषयों पर जो आईएएस की परीक्षा पास करने में मदद कर सकते हैं पर फोकस कर सकते हैं। ऐसे में कुछ विषय होंगे जिनकी तैयारी में सबसे अधिक समय लगाकर भी आप मुश्किल से उसे समझ पाएंगे। ऐसे विषयों पर समय बर्बाद करने की बजाय समझदारी इसी में होगी कि आप अपना कीमती समय उन विषयों की तैयारी में लगाएं जिनमें आप अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, अपनी नौकरी को अवसर के रूप में देखें, दायित्व के रूप में नहीं। यानी जब आप अपनी नौकरी से खुश रहेंगे तो आप सिविल सेवा की तैयारी भी बहुत आसानी से कर सकेंगे। आईएएस की तैयारी कर रहे कामकाजी पेशेवर के तौर पर सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप अपनी नौकरी को दायित्व यानी आर्थिक जिम्मेदारी समझ सकते हैं। आईएएस अधिकारी
अधिकारी बनने के लक्ष्य में आपकी फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी सबसे बड़ा सहायक है। आपके वेतन के रूप में आपकी नौकरी आईएएस की तैयारी के लिए वित्तीय रूप से आपकी मदद करेगा, यह दूसरों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा नौकरी का बैकअप विकल्प भी आपको नौकरी के लिए आईएएस परीक्षा में पास होने पर पूरी तरह से निर्भर होने वालों के मुकाबले मानसिक तनाव को कम भी करेगा। यह भी देखा गया है कि आईएएस परीक्षा के साक्षात्कार चरण के दौरान साक्षात्कार पैनल 25 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के नौकरी में होने और भारत के जीडीपी में योगदान करने की उम्मीद करता है। वास्तव में बीते वर्षों में अलग होता है एआरसी, यानी यदि कई समितियों ने इसी कारण से यूपीएससी सीएससी की आयु सीमा में कटौती करने का सुझाव दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कामकाजी पेशेवर होने के नाते साक्षात्कार में आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे। वित्तीय स्थिरता के अलावा अपने कार्य अनुभव और देश की सेवा करने के उत्साह का हमेशा वह धन्यवाद भी करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा होशियार बने यानी स्मार्ट अध्ययन करें। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले कामकाजी पेशेवरों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अपनी प्रतियोगिता को समझना। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षा माना जाता है। हालांकि पहली नजर में आपकी प्रतियोगिता कठिन दिखाई दे सकती है, ध्यान देने की बात है कि आईएएस के कुल अभ्यर्थियों में से सिर्फ 30% ही गंभीरता से परीक्षा की तैयारी करते हैं। इन 30% गंभीर अभ्यर्थियों में से भी कई मुख्य अभ्यर्थी सुरक्षित यानी सेफ विषयों को चुनकर पहले से परीक्षित और परखे जा चुके रास्ते पर चलते हैं और परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य तकनीकों एवं तरीकों का विकल्प चुनते हैं। यदि आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं और विजेता के तौर पर सामने आना चाहते हैं तथा बात जब आईएएस की तैयारी की हो तो आपको उन्हें होशियारी से हराना होगा। इसका मतलब है कि मजबूत ज्ञान आधार के साथ आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए सही वैकल्पिक विषयों का चयन अपने लेखन कौशल एवं व्यक्तित्व पर मेहनत कर रहा है। याद रखें कि यूपीएससी ऐसे विजेताओं की तलाश करता है जो देश का कुशल संचालन कर सके, इसलिए यह आपका काम है कि आप साबित करें कि इस नौकरी के लिए आप बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। तो जो भी विद्यार्थी नौकरी के साथ सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता है वह इन सरल उपायों के इस्तेमाल से अपने सपने को साकार कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा समस्या यह आती है कि अपने बेसिक को कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं उनके लिए एनसीईआरटी समरी, जिनमें आपको मिलेंगे 6 से लेकर 12th क्लास तक के सभी एनसीईआरटी के टॉपिक्स। और यह मजे की बात है कि यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।